हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डीवी के फंक्शनिंग के बारे में जानेंगे, डीवी हमारा कैसे काम करता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ। फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व और डीवी। नंबर एक जो हमारा इसका फंक्शन है, सबसे पहला तो फंक्शन है इट कनेक्ट एआर एआर टू ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन। ब्रेक एप्लीकेशन कब होती है? जब बीपी का प्रेशर 5 kg से डिक्रीज किया जाता है तब हमारा ब्रेक एप्लीकेशन होता है। उस दौरान जो डीवी है वो एआर का कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर से कर देता है। यहां पर मैं एक रफ स्केच बना देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमारा कनेक्शन यहां पर मेक आउट होता है। ये हमारा एआर टैंक हो गया, डीवी हो गया, ये हमारा सीआर हो गया और यहां पर हमने एक ब्रेक सिलेंडर दिखा दिया, ये हमारा ब्रेक सिलेंडर हो गया। तो एआर को ब्रेक सिलेंडर से कनेक्ट कर देता है ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन। तो ये जो कनेक्शन है ये इसके अंदर से ऐसे कनेक्शन इसमें बन जाता है, ये कनेक्शन ऐसे हो जाता है, एआर से प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में जाना शुरू हो जाता है। ये फर्स्ट इसका हो गया। सेकंड, इट कनेक्ट ब्रेक सिलेंडर टू एग्जॉस्ट ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज। जब ब्रेक रिलीज होते हैं, ब्रेक रिलीज कब होते हैं? तो जब बीपी का प्रेशर जो हमने ड्रॉप किया था वो फिर से 5 kg बनाया जाता है ड्राइवर या लोको वाल्व के द्वारा, तब हमारा जो डीवी है वो ब्रेक सिलेंडर का कनेक्शन एग्जॉस्ट से कर देता है। तो इसका डायग्राम किस तरह से होगा? ये हमारा एआर टैंक हो गया, ये डीवी हो गया, ये इसका सीआर टैंक हो गया, ये हमारा ब्रेक सिलेंडर हो गया। तो ब्रेक सिलेंडर को और यहां पर डीवी में एक एग्जॉस्ट पोर्ट होता है, तो ये एग्जॉस्ट पोर्ट हो गया। तो यहां पर क्या था, एआर का जो कनेक्शन था वो अंदर से बीसी से हो गया था। अब यहां पे एआर का कनेक्शन डीवी में तो है लेकिन यहां ब्रेक सिलेंडर में नहीं होगा, जबकि क्या होगा, ब्रेक सिलेंडर को एग्जॉस्ट से। तो ब्रेक सिलेंडर इस तरह से ये एग्जॉस्ट से कनेक्ट हो जाएगा, तो यानी ब्रेक सिलेंडर में जो भी प्रेशर होगा वो यहां से एटमोस्फेयर में चला जाएगा। ये कब होगा? ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज। थर्ड फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इट चार्ज एआर टू 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर फ्रॉम ब्रेक पाइप ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग के दौरान एआर को ब्रेक पाइप से प्रेशर आता है, एक वो हमारा डीवी के थ्रू एआर टैंक में हो जाता है। तो चार्जिंग में एआर जो है हमारे चार्जिंग प्रोसेस के दौरान एआर जो है हमारा वो 5 kg से चार्ज हो जाता है। फोर्थ हमारा जो पॉइंट हो जाएगा, इट डिस्कनेक्ट द एआर फ्रॉम ब्रेक पाइप बीपी ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन। ब्रेक एप्लीकेशन होता है जैसे कि अब हमने यहां पे देखा था, तो उस दौरान एआर को ब्रेक पाइप से कनेक्ट डिस्कनेक्ट करेगा। तो यही लिखा है, एआर को बीपी से डिस्कनेक्ट कर देगा और एआर का कनेक्शन किससे बना देता है? ब्रेक सिलेंडर से। तो ये दोनों प्रोसेस अगर हम एक साथ कंबाइन कर देंगे तो इसमें प्रोसेस में क्या होगा, डीवी ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक पाइप का कनेक्शन एआर से डिस्कनेक्ट कर देता है और एआर का कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर से कर देता है। ये हमारा हो गया फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, इट चार्ज सीआर टू 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर फ्रॉम ब्रेक पाइप ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग के दौरान, अभी हमने चार्जिंग प्रोसेस का डायग्राम नहीं बनाया, चार्जिंग प्रोसेस का एक डायग्राम देख लेते हैं, इसमें क्या क्या कनेक्शन रहेंगे। ये एआर हो गया हमारा, ये डीबी हो गया, ये सीआर हो गया,
ये ब्रेक पाइप से आ गया हमारा, ये एक ब्रेक पाइप दिखा दिया हमने और ये हमारा ब्रेक सिलेंडर हो गया। अब चार्जिंग प्रोसेस में क्या होगा, ब्रेक पाइप का जो प्रेशर है वो हमारा ईआर में भी जाएगा, तो एक कनेक्शन हमारा ये हो जाएगा और ऊपर सीआर है तो एक कनेक्शन हमारा सीआर में भी जाएगा, यानी ब्रेक पाइप से प्रेशर सीआर में भी जाएगा और एआर में भी जाएगा। तो चार्जिंग के दौरान ड्यूरिंग चार्जिंग एआर 5 kg से चार्ज हो जाएगा और सीआर भी हमारा 5 kg से चार्ज हो जाएगा। तो ये दोनों तीसरा और पांचवा पॉइंट हमारे इस डायग्राम में शो हो गए हैं। चौथे डायग्राम में क्या, चौथे में पॉइंट में क्या था, एआर जो है बीबीपी से ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान डिसकनेक्ट हो जाएगा, यानी एआर का इस पाइप से जो कनेक्शन था वो खटके इससे जुड़ जाएगा, ब्रेक सिलेंडर से जुड़ जाएगा। सिक्स हमारा क्या रहेगा, इट डिसकनेक्ट सीआर फ्रॉम बीपी ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन। ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान जो अभी ये कनेक्शन था, जैसे ही ब्रेक एप्लीकेशन होगा तो सीआर का कनेक्शन भी ब्रेक पाइप से हट जाएगा। नंबर सेवन, इट एडमिट मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 3.8 kg/cm² इन ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग इमरजेंसी एज वेल एज फुल सर्विस एप्लीकेशन। जब भी फुल सर्विस एप्लीकेशन या फिर इमरजेंसी ब्रेकिंग होती है उस दौरान डीवी ही ब्रेक सिलेंडर में मैक्सिमम 3.8 kg का प्रेशर भेजता है, इससे ज्यादा प्रेशर कभी भी ब्रेक सिलेंडर में नहीं जाने देता। एट पॉइंट, इट एडमिट द एयर फ्रॉम एआर इनटू ब्रेक सिलेंडर इन स्टेप्स ग्रेजुअली इन प्रोपोर्शन टू द रिडक्शन इन द बीपी प्रेशर टू फैसिलिटेट ग्रेजुएट ब्रेक एप्लीकेशन। इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर यह बताया गया जैसे जैसे बीपी के प्रेशर को हम कम करते जाएंगे उसी प्रोपोर्शन में जो डीबी है वो एआर से प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में जाने देगा। किस रेशियो में होता है, किस प्रोपोर्शन में होता है, तो इसका एक मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, ड्रॉप इन बीपी प्रेशर मल्टीप्लाइड 2.5, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बीसी प्रेशर। यानी ब्रेक सिलेंडर में कितना प्रेशर है ये कैसे निकाल सकते हैं, ड्रॉप इन बीपी में हमने बीपी ब्रेक पाइप में कितना का ड्रॉप किया मल्टीप्लाई 2.5, और मैक्सिमम हमें मालूम है ब्रेक सिलेंडर में जो मैक्सिमम प्रेशर है वो 3.8 से कभी भी ज्यादा नहीं होगा। नाइन पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, तो इट रिलीज द एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर इन स्टेप्स ग्रेजुअली इन प्रोपोर्शनेट टू इंक्रीज ब्रेक पाइप प्रेशर। जैसे जैसे ब्रेक पाइप का प्रेशर हम बढ़ाते जाएंगे ब्रेक सिलेंडर से प्रेशर भी हमारा स्टेप में ग्रेजुअली रिलीज होता जाएगा। टेंथ जो हमारा पॉइंट हो जाएगा, रिड्यूस बीपी प्रेशर फर्दर बाई 0.4 kg/cm² इन एडिशन टू बीपी प्रेशर रिड्यूस्ड बाई ड्राइवर फ्रॉम लोको टू एक्सेलरेट ब्रेक एप्लीकेशन पर्टिकुलरली इन मिनिमम रिडक्शन।
जो मिनिमम रिडक्शन होता है, जब ड्राइवर मिनिमम रिडक्शन प्रेशर है उतना प्रेशर ड्रॉप करता है, तो ब्रेकिंग को एक्सेलरेट करने के लिए जो डीबी है वो 0.4 का एक्स्ट्रा प्रेशर रिड्यूस कर देता है और एक्स्ट्रा में रिड्यूस कर देता है, जिससे ब्रेकिंग अच्छे से हो सके। 11th क्या हो जाएगा? सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी में क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। इट अप्लाइज द ब्रेक ड्यूरिंग सेंसिटिविटी रेंज व्हेन बीपी प्रेशर इज रिड्यूस्ड एट द रेट, क्या रेट होता है तो रेट हमारा 0.6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में 0.6 केजी का प्रेशर जब ड्रॉप किया जाता है तो उस कंडीशन में डीबी इसको सेंस करता है और ब्रेक अप्लाइड हो जाते हैं। ये हमारा सेंसिटिविटी हो गया। इन सेंसिटिविटी में क्या होता है? इट डज नॉट अप्लाई ब्रेक ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी रेंज। इनसेंसिटिविटी रेंज क्या है? व्हेन बीपी प्रेशर इज रिड्यूस्ड एट द रेट 0.3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 60 सेकेंड, यानी 0.3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर 60 सेकेंड में अगर हमारे ड्रॉप किया जाता है तो इस तरह से जो प्रेशर ड्रॉप होगा उसको डीबी सेंस नहीं करेगा और ब्रेक एप्लीकेशन नहीं होगा। 13 पॉइंट है, इट रिलीज द एयर फ्रॉम सीआर एआर एंड ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग मैनुअल रिलीज। जब भी मैनुअल रिलीज किया जाएगा उस दौरान जो डीबी है वो सीआर एआर टैंक और ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को रिलीज कर देगा। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर का पॉइंट है, इट आइसोलेट द ब्रेक सिस्टम ऑफ रोलिंग स्टॉक वेन एवर नेसेसरी। जब भी हमें रोलिंग स्टॉक में एयर ब्रेक सिस्टम को आइसोलेट करना है तो उस दौरान हम इससे ब्रेक सिस्टम को आइसोलेट कर लेते हैं। लास्ट हमारा जो पॉइंट होगा, फंक्शन होगा, इट एडमिट एयर फ्रॉम एआर टैंक टू ब्रेक सिलेंडर टू अ प्रेशर ऑफ 0.8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इमीडिएटली ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ब्रेक रिगिंग। यानी जैसे ही ब्रेक एप्लीकेशन किए जाते हैं उस दौरान 0.8 केजी का प्रेशर डीबी एआरसी ब्रेक सिलेंडर में तुरंत भेज देता है, जिससे कि जो ब्रेक रिगिंग का जो रेजिस्टेंस है वो हमारा ओवरकम हो सके। तो दोस्तों ये रहे डीबी के सारे फंक्शन। वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।